नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैं जर्मनी में था, तो मैं कुछ एक 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूं जर्मनी के बारे में, जो कि आपको दुनिया के और देशों में बहुत कम देखने को मिलेंगे या नहीं के बराबर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, 10 से लेके 1 तक क्या खास है। तो दोस्तों नंबर 10 पे आता है इन्वेंटर ऑफ गमी बियर, जो छोटी छोटी च्युइंगम टाइप की होती है गमी बियर, जो बियर के शेप में आती है, उसकी इन्वेंटर जर्मनी थी। एस्प्रिन की, प्रेगनेंसी टेस्ट की और फ्लोरेंस लैंप, इन चारों चीजों की इन्वेंचर, वैसे तो बहुत चीजों की इन्वेंशन जर्मनी में हुई है, बट इन चारों से जो कि ज्यादा पॉपुलर है आज के मॉडर्न वर्ल्ड में। दूसरा, जैसे कि अगर आप क्रिसमस आने वाली है तो अपने घर को क्रिसमस ट्री से डेकोरेट करना चाहते हैं, तो वो भी ही उन्होंने भी उस आइडिया को मॉडर्नाइज, जो जिसने भी किया था वो जर्मनी ने ही किया था। मींस ऐसे फ्रेंच में सेंट जॉर्ज चर्च में 1521 में से ये चीज़ें यूज की जा रही थी, ये जो क्रिसमस ट्री, बट मिड ऑफ 19th सेंचुरी में जर्मनी इज द वन हु लाइक मॉडर्नाइज दिस प्रोसेस और इसको दुनिया तक लेके गया, और उसके बाद से रेस्ट इज हिस्ट्री, अंटिल नाउ इट्स गोइंग ऑन। सो दिस मीन्स वन बियर, इफ यू आर इन अ पब, वन बियर थ्री। सो वो बोल के नहीं बोलते भाई एक बियर दे और या तीन बियर दे, सो दे जस्ट डू लाइक दिस, मीन्स रिपीट माई ऑर्डर, this three more, so once the people are sitting in a bunch of crowds, so they're just signaling like these two people, so means six beers. So that's a different thing that you didn't find in the rest of the world. So अपने bread के बारे में बड़े punctual है, अपने bread का जो जिस तरह का खाना है उसी ही तरह का खाना है उन्होंने। So, इसी हिसाब से उनके मतलब जर्मनी के लोगों के अपने 300 तरह के ब्रेड के प्रकार है, वैरायटीज ऑफ ब्रेड, और उनका अपने म्यूजियम है, ब्रेड म्यूजियम। सो लाइक बहुत सारे जर्मनी के छोटे छोटे टाउन्स में, बड़े बड़े सिटीज में भी ब्रेड म्यूजियम है, और 300 तरह की वैरायटी ऑफ ब्रेड्स है उनके पास। ओके, और जर्मनी में, पूरे जर्मनी में 400 जू है, जो कि दुनिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसके पास इतने जू है, और उस तादाद में जानवर भी हैं हम लोगों के पास। सो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हु हैविंग दैट मच कैपेसिटी ऑफ एनिमल्स, एंड इतने सारे जू हैं, जो कि 400 जू पूरे जर्मनी में। अच्छा दोस्तों, अभी आपने एडिडास और पूमा का नाम तो सुना ही होगा, क्या आपको पता है ये दोनों भी जर्मन थे, डसलर ब्रदर। इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री, शू फैक्ट्री शुरू की थी डसलर ब्रदर्स शू फैक्ट्री के नाम से, एंड देन 1948 में दे स्प्लिट किया, कोई झगड़ा नहीं हुआ जो प्रोडक्ट को लेके था, किसी के दिमाग में एक आइडिया था, एक के दिमाग में दूसरा आइडिया था, तो देन दे बोथ वॉन्ट टू एग्जीक्यूट देयर आइडिया, तो उन्होंने बोला यार चल ठीक है, तू अपना काम चालू कर, मैं अपना करता हूँ, देखता हूँ कौन सक्सेस होता है, और आज की डेट में बहुत आर इन सक्सेस। अब भी एक चीज बड़ा ही मस्त पॉइंट है, वो मेरे को मतलब कि मेरे वेरी क्लोज टू हार्ट, व्हेन यू आर ड्राइविंग इन इंडिया और ड्राइविंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, यार मैं कहीं स्पीड लिमिट को क्रॉस ना कर जाऊं, चाहे 100 की स्पीड है मैं 120 पे ना चला जाऊं, ऐसा होता है, सबके दिमाग में आता है हूएवर आर ड्राइविंग इन हाईवे, बट इन जर्मनी देयर इज नो स्पीड लिमिट, सेइंग वन मोर टाइम, देयर इज नो स्पीड लिमिट। So like it's up to you how fast you can go, and the rate of accident is one of the safest highway in the world. Rate of accidents are very less, not like the country who's posting, oh you have to certain speed limit this and that, but their accident rate is high. In Germany no, there is no speed limit, but accident rate also very low. So बहुत अच्छा point है ये, और आई रियली लाइक दिस पॉइंट। सो जर्मनी है 99% लोग लिटरेट हैं, इंग्लिश इनकी बहुत फ्लुएंट है, लाइक इस आपको जर्मनी में जाके ऐसा नहीं लगेगा कि आप
अमेरिका या इंग्लैंड में नहीं है. द एवरी सेकेंड पर्सन अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो आपको फ्लुएंटली इन इंग्लिश में जवाब देगा जो आप पूछोगे, तो कोई प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. और जैसे कि मैं फ्रांस में था तो फ्रांस में बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ पूछने के लिए भी आइदर यू नीड टू नो फ्रेंच और ट्रांसलेटर लेके चलो. इटली में भी फ्रेंच में क्या है कि फ्रांस के लोगों को आती है, बट दे डोंट वांट टू स्पीक बिकॉज दे गिव प्रायोरिटी टू देयर मदर टंग. जर्मन में ऐसा नहीं है, उनको जर्मनी भी आती है. वंस यू स्पीक इन जर्मनी दिल आंसर यू इन जर्मन. और अगर आप इंग्लिश में उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो दे आंसर दे डोंट हेजिटेट. सो 99% लिटरेसी रेट है. एंड द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि अपने जो वहाँ के नेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉलेज फीस तो ड्रॉप करता ही है, चाहे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट बाहर से आए हैं उनको भी फ्री एजुकेशन देता है. सो इट्स ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड. एंड व्हाई आई एम नॉट बॉर्न इन जर्मनी, और मैं क्यों नहीं जर्मनी में पढ़ने गया, इट्स टू लेट टू नाउ. बट एक ये चीज़ अगर पहले पता होती तो आई थिंक आई कैन ज्वाइन देयर यूनिवर्सिटीज. 2014 में उन्होंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स थे जो भी उनके कॉलेज से में पढ़ रहे थे उन सब की फीस ड्रॉप कर दी, चाहे वो जर्मन थे या इंटरनेशनल थे. तो एक गुड अच्छी चीज़ है ये स्टूडेंट्स के लिए. सो हिडेलबर्ग यूनिवर्सिटी है ओल्डेस्ट इन जर्मनी, 1386 में बनी थी. और यहाँ से 56 नोबेल लॉरियंस जो थे निकले, जो कि नोबेल पुरस्कार जीते हुए लोग 56 एक यूनिवर्सिटी से. और ये दुनिया भर में 13वें रैंक पे है. सो अभी जर्मनी में पूरे दुनिया में से जितने भी लोग नोबेल प्राइज जीते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जर्मनी से हैं, 105 पीपल. सो जितने टोटल ब्रह्मांड में नोबेल प्राइज बांटे गए हैं उनमें से 105 में नोबेल प्राइज जर्मनी जर्मन्स ने जीते. और एक विलियम कॉन्रेड बुटखेन 1901 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था. और इनको इन्होंने डिस्कवरी की थी एक्सरे की. तो जो आप अभी एक्सरे डॉक्टर आपका हड्डियाँ हड्डियाँ सब कुछ देख लेता है ना एक्सरे स्किन एक्सरे एग्जामिनेशन से. सो विलियम सर थे जो बुटखेन, इन्होंने 1901 में एक्सरे का इन्वेंशन 1901 में इन्हें नोबेल मिला था, बट इससे पहले इन्होंने एक्सरे का इन्वेंशन किया था. सो जिसके कारण से ये एवोल्यूशन की तरह आया और आज की डेट में ये हर जगह पे आपको अगर जरा सी खरोच भी आई है या चोट आई है डॉक्टर को नहीं पता कर रहा तो ही विल सजेस्ट यू टू गो टू टेक एक्सरे एंड देन हैव अ लुक. क्या सो दोस्तों ये कुछ 10 फैक्ट थे जर्मनी के बारे में जो कि मैंने वहाँ कुछ ऑब्जर्व भी किए और कुछ मैंने रिसर्च स्टडी के बाद समझा कि जर्मनी में ये चीज़ें भी हुई हैं और ये चीज़ें जर्मनी इस चीज़ के लिए भी फेमस है. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. थोड़ा वेदर ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया क्योंकि इट्स नॉट देयर फॉल्ट वेदर, तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. सो बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था. आपने वीडियो भी देखी, मैं इतनी वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया, बट वट एवर आई विल मेक आई विल इंजॉय दैट थिंग. और होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, 10 अमेजिंग फैक्ट अबाउट जर्मनी. और मेरे को अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डाउन में है, डिस्क्रिप्शन में है. प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन गो थ्रू बाई माई स्टोरीज कि मैं कहाँ हूँ और क्या वीडियो आने वाली है. सो अगली वीडियो तक के लिए दीजिए धन्यवाद. जय हिंद. फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में.